राजस्थान के एक और विधानसभा सीट संगरिया का भी रिजल्ट आ गया है। हनुमानगढ़ जिले की ये सीट जो है पहले 2013 में बीजेपी के कब्जे में थी और 2018 यानी इस बार भी इस पे बीजेपी ने ही बाजी मारी है। बीजेपी के गुरदीप सिंह जो है इस पे 99,000 वोट लेकर के जीतने में कामयाब रहे हैं, जबकि कांग्रेस ने की शबनम गोदारा को यहाँ पे लगभग 92,526 वोट मिले हैं, यानी कि लगभग 7,000 वोटों के अंतर से जो है गुरदीप सिंह जीते हैं। और बहुजन समाज पार्टी के बलबीर सिंह हैं वो तीसरे नंबर पे रहे हैं, उन्हें बहुत कम वोट मिले हैं, उन्हें सिर्फ 2863 वोट मिले हैं। तो इस तरह से यहाँ पे जो है बीजेपी एक बार फिर बाजी मारने में कामयाब रही। यदि सीट पे के इतिहास पे गौर करेंगे तो हनुमानगढ़ जिले में कुल 5 सीटें हैं, जिसमें संगरिया जो है एक जनरल सीट है, और यहाँ पे 2013 में बीजेपी के कृष्ण कड़वा जो है 55,635 वोट लेकर के जीतने में कामयाब हुए थे, और उन्होंने तब भी जो है शबनम को ही हराया था और उन्हें लगभग 44,000 वोट मिले थे। जबकि 2008 में जो है इस सीट पे कांग्रेस के परम नवदीप जीते थे और उन्होंने जो है बीजेपी के दमयंती बेनीवाल को हराया था। दमयंती बेनीवाल को उस समय यहाँ पे वोट मिले थे लगभग 26,685 वोट, और तब जो है गुरदीप जो है निर्दलीय कैंडिडेट एक थे, उन्हें वोट मिले थे 28,212। तो ये रहा कि इस बार भी ये सीट पे बीजेपी जो है अपना कब्जा बरकरार रखने में कामयाब रही। तो आप ऐसी खबरों के लिए देखते रहिए हमारा डिजिटल चैनल इन खबर, और उसे सब्सक्राइब कीजिए।